हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? देखिए, आज मैं आपके सामने एक सी टाइप जैक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना है कि इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इसमें जैक लगाया, चार्जर लगाया, चार्जर का जैक लगाया, तो ये हमारा जैक पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डाटा केबिन को, और पूरा टाइट दबाने से भी ये काम नहीं कर रहा है। तो ये जब चार्जर पूरा जा ही नहीं रहा है इसके अंदर, तो ये हमारा चार्जिंग करेगा क्या? तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे से ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने की वजह से जैक जो है चार्जर पूरा हमारा नहीं जाता। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे हम कि आज हम इसकी सफाई करेंगे, और सफाई करने के बाद में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसकी पहले हम सफाई करते हैं। देखिए इसके अंदर कितना कूड़ा जमा हुआ है, इसी वजह से ये चार्जिंग हमारा नहीं हो पाता है फ़ोन। ये देखिए अभी भी और निकल रहा है। तो ये आप इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे, ये एक बार क्लीन हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका प्रॉपर काम करेगा चार्जिंग जैक। देखिए दोस्तों, अभी ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और अभी हम इसमें जो डस्ट थी वो तो हमने सब निकाल दिए, और अभी हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करके बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो अभी मैं पहले इसे वॉश कर लेता हूँ, फिर एक बार और दिखाऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, अभी मैंने इसको पूरी तरीके से वॉश कर दिया है, और अब बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है। ये देखिए, और अब इसमें बिल्कुल प्रॉपर चार्जिंग भी होगी, केबल भी लगेगी। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये मैंने इसमें चार्जर लगाया, और ये देखिए चार्जर लगाते ही इसमें फास्ट चार्जिंग का सिंबल भी बना हुआ आ गया है, जो कि आप ऊपर बैटरी के पास भी देख सकते हैं, कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।